ओम श्री गणेशाय नमः जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज़ अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएं। दोस्तों शारदीय नवरात्रि शुरुआत होने वाली है 15 अक्टूबर 2023 से। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय को संस्कृत भाषा में सहल कहा जाता है। ऐसे में हिमालय राज की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री को वृषरूढ़ा सती हेमवती उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति में तपस्या का गुण उत्पन्न होता है। आज हम आपको माँ शैलपुत्री के बारे में ही बताने जा रहे हैं पूजा विधि की। माँ शैलपुत्री को क्या पसंद है, कैसे माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है, किन मंत्रों से माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है, क्या पहनना है इस दिन, और इसी के साथ माँ शैलपुत्री को क्या भोग में प्रिय है, कौन से पुष्प चढ़ाने हैं। जिससे पहले लेकिन हम इस विषय पे आगे बढ़े, हम आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, जिससे कि सभी लोग माँ शैलपुत्री की सही रूप से पूजा अर्चना कर सकें और माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। दोस्तों चलिए अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों माँ शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो इनका वर्ण सफ़ेद है। माता ने श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। माता की सवारी व्रत यानी कि बैल है। माँ शैलपुत्री ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। माँ शैलपुत्री का ये रूप सौम्यता, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। दोस्तों जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। अब माँ शैलपुत्री की पूजा विधि बताते हैं दोस्तों, आपको ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः स्नान कर पवित्र हो जाएं, फिर माँ का ध्यान करते हुए कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के चित्र को स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को कुमकुम और अक्षत लगाएं, ये आपको पैरों में लगाना है। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। इसी के साथ माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें, जैसे कि आप देख सकते हैं सफ़ेद गुड़हल या फिर जो भी हम आपको इसमें फूल दिखा रहे हैं, ये अपराजिता है, ये या इनमें से कोई भी फूल आपको प्राप्त हो जाए, माँ को ये अति प्रिय है। सफ़ेद रंग ही माँ को क्योंकि प्रिय है, इसलिए यही कोई पुष्प चढ़ाएँ ढूंढ लेने। इसी के साथ माँ शैलपुत्री की आरती उतारें और माँ को भोग लगाएं। दोस्तों अब माँ शैलपुत्री के पूजा मंत्र भी बता देते हैं। पहला मंत्र माँ का है ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ये माँ का सबसे ज़्यादा सरल मंत्र है। दूसरा मंत्र बताते हैं दोस्तों, दूसरा मंत्र कुछ इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, ये दूसरा मंत्र है दोस्तों। और तीसरा मंत्र हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं, इसको आपको सही से उच्चारण करना है, इसलिए हमने आपको इसे चित्र में दिखा दिया है। हालांकि आप चाहें तो सिर्फ पहला मंत्र या दूसरा मंत्र ही जाप कर सकते हैं, तीनों की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपको सरल पड़े। दोस्तों अब हम आपको बता दें अंत में कि माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग क्या है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद दिखने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि खीर, चावल या सफ़ेद मिष्ठान यानी कि बर्फ़ी या पेड़ा आदि का भोग लगाएं, जो सफ़ेद दिखती हो, सफ़ेद रंग की हो, इससे माँ प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों आप इसी तरीके से पूजा विधि जो हमने बताई है माँ शैलपुत्री की पूजा करें पहले दिन, इसी तरीके से आपको माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त हो गई होगा और माँ आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। और माँ शैलपुत्री जब आपसे प्रसन्न हो जाएंगी तो वह अपने भक्तों की सारी इच्छाएँ पूर्ण कर देती हैं, क्योंकि माँ शैलपुत्री बहुत ही कृपालु दयालु हैं, उनसे अपने बच्चों का दुख दर्द सहा नहीं जाता। तो ये मौका ना गंवाएं और इस प्रकार से माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करें और फिर देखें माँ शैलपुत्री कैसे आप लोगों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो उसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। और अब हम आपके लिए माँ ब्रह्मचारिणी की भी ऐसी ही वीडियो बना के लेके आएंगे, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। जब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।